हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। सीता नवमी पर आप किस तरह से पूजा विधि जो है कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से आज जो है बताने जा रही हूँ, तो पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस दिन सुबह जल्दी स्नान करें, बाद में घर मंदिर में दीपक जलाएं। व्रत करना चाहते हैं तो दीपक जलाने के बाद व्रत का संकल्प ही लेनी चाहिए। इस दिन सीता नवमी के दिन व्रत किए जाते हैं, व्यक्ति को विशेष फल की प्राप्ति भी होती है इस दिन। इसके बाद पूजन वाले स्थान पर देवी देवता का गंगा जल से भी स्नान कराना चाहिए। शुद्धि से मानसिक स्नान कराते हैं, डेली पूजा के नित्यम दिन जो करते हैं आप लोग, वही आपको करनी है। फोटो है तो फोटो रख कर करें, या तो प्रतिमा है तो उन्हें भी रख कर इस दिन पूजा कर सकते हैं, व्रत कर सकते। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पूजा करने के लिए कि कैसे हम पूजा बहुत ही साधारण सिंपल तरीके से करके हम दिखाएंगे कि सीता नवमी के दिन आप व्रत पूजा कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने वीडियोस को। तो हम ये सब सेट कर लेते हैं क्योंकि पूजन करना है, और ये सब चीज़ मैंने सामने रखी थी आपको दिखाने के लिए कि क्या क्या सामग्री इसमें लगेगी। तो यहाँ मैं जो भी भोग प्रसाद चढ़ाना है मैं यहाँ रख ली हूँ, और एक आपको इस तरह के ना सिरी फल लेनी है। तो सिरी फल नहीं भी है तो बिना सिरी फल के भी आप जो है पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सबको साइड कर लेती हूँ, और साथ में मेरे लड्डू गोपाल भी हैं क्योंकि ये भी विष्णु का रूप है। एक इस तरह से आपको कलश ले लेनी है, इसमें एक मैंने एक सिक्का डाल लिया है, थोड़ी सी चार दाने हम अक्षर डाल लेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ी सी अष्टदल बनाएंगे, छोटी सी बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी सी नहीं बनाएंगे। तो यहाँ हम जो है चावल बिछा लेंगे इस तरह से, पीली हुई चावल, जैसे कि हल्दी से या तो कोई भी कलर से आप चावल को रंग लें, नहीं तो आप सिंपल ही चावल को रखकर हम अष्टदल यहाँ बना सकते हैं। कोई भी अनाज की आप ले सकते हैं, गेहूँ को ही ले सकते हैं या तो जौ को भी ले सकते हैं। और मैं यहाँ चावल की जो है अष्टदल बना लेती हूँ, छोटी सी बनाऊंगी, ज्यादा बड़ी सी नहीं बनाऊंगी। तो सिंपल तरीके से यहाँ पर हम छोटे से अष्टदल बना लेते हैं। नहीं अष्टदल बनाने आती है तो आप यहाँ जगह पर जो है सिंपल से चावल बिछा कर भी रख सकते हैं, या तो स्वास्तिक बना लेते हैं। अष्टदल बनाने में कोई सी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सरल तरीके से मैं बनाऊंगी बस। और छोटी सी जगह है दोस्तों, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मगर कोई बात नहीं, हम इसी में जो है मैनेज करेंगे। तो थोड़ी सी चावल आप ले लेते हैं, कम पड़ रही है। फिर इस चावल को आप क्या करें, कौए को या तो कोई भी पक्षी को आप दे सकते हैं, मछली को खिला सकते हैं। तो ये अष्टदल की जो चावल होती है तो इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए, कोई भी पक्षी को आप दाने जो है दे सकते हैं, खा लें आराम से। लीजिए फ्रेंड्स, तो बन गया ये अष्टदल, और थोड़ी सी इधर हम ठीक कर लेते हैं क्योंकि अष्टदल काफ़ी सुंदर लगती है जब अच्छे से तरीके से अगर बनाया जाए तो। अष्टदल बहुत ही सुंदर से बनती है, बड़ी या छोटी भी बना सकते हैं। तो मैं ये बस यहाँ छोटी सी पूजा करके दिखा रही हूँ क्योंकि सिंपल तरीके से आज बताऊँगी मैं, हमेशा ही जो है सिंपल तरीके से ही बताती ताकि इजली आप जो है इस तरह से सिंपल तरीके से पूजा व्रत कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए अष्टदल बन गई है, अब इन पर हम रखेंगे कलश। कलश को मैंने रख दिया है, साथ में मेरे लड्डू बाबू भी हैं। उससे पहले हम जो है जहां हम गणपति को विराजमान करेंगे, क्योंकि हर पूजा में जो है बिना गणपति के पूजन अधूरी मानी जाती है। तो यहाँ जो है हम चावल को रख के अपने गणपति को विराजमान करेंगे। ऐसे गणपति नहीं है तो आप सुपारी को भी बनाकर पूजन कर सकते हैं। तो मैंने गणपति को भी विराजमान कर दिया है। तो यहाँ चावल प्लेट में थोड़ा सा हम ले लेंगे, उसके बाद ही हम रखेंगे ये लोटे पर, और जहाँ मैं फोटो रखी हूँ थोड़ी सी चावल की आसन हम दे देंगे। ऐसे तो आसन बिछी हुई है, फिर भी जो आसन देना जरूरी है तो यहाँ हम आसन दे लेते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में मैं करके आपको दिखा रही हूँ। तो उससे पहले हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। जल
कराएंगे। पूजा करने से पहले हम स्नान कराते हैं, सारे देवी देवता को आह्वान करते हैं। तो यहाँ कलश देवता के भी स्नान कराएंगे, पानी छिड़केंगे, जल छिड़केंगे। तो यहाँ स्नान हो गई है, और स्थान को भी जहाँ पूजन कर रहे हैं उसे भी आपको शुद्धिकरण जरूर करनी है। और सारे जो भी फल फूल मिठाई मेवा आप चढ़ाने के लिए भोग लगाने के लिए रखे हैं उसे भी आप पानी से जल से छिड़क लें, शुद्ध जल से। और मेरे गोपाल जी हैं, ऐसे तो सुबह में इनके स्नान हो गई है, फिर भी जो है फिर से इनको शुद्धि कर लेते हैं। उससे पहले हम दीपक पवित्र करेंगे। जब भी हम पूजा व्रत शुरू करते हैं सबसे पहले हम अपने देवी देवता को आह्वान करने के लिए दीपक पूज करते हैं। तो दीपक के नीचे थोड़ी सी अक्षत चावल रख लेंगे और दीपक पूज करेंगे, क्योंकि सिंगल जो है दीपक पूज नहीं की जाती है। उसके नीचे थोड़ी सी आसन आप दे दें, प्लेट में अगर रख कर ला रहे पूजित कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम दीपक पूज करेंगे क्योंकि इसी में जो है 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं। अपने 33 कोटि देवी देवता का आह्वान करने के लिए सबसे पहले हम दीपक पूजित कर लेंगे, क्योंकि आपके साक्षी रहते हैं दीपक, तो इन्हीं को साक्षी मारकर जो है अपने पूजा को शुरू करेंगे। यहाँ तो सबसे पहले मैंने दीपक और धूप को जला दिया, उसके बाद हम जो है पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो नारियल में मैंने जो है कच्चा सूत जैसे कि मौली मैंने लपेट लिया है, अनिवार्य है इस पर लपेट लें, और नहीं तो आप जो है लाल कपड़ा भी लपेट सकते हैं। उसके जगह मैंने लाल मौली को ही लपेट कर, और यहाँ देखिए हो सके तो गोपी चंदन अपने भगवान जी को, राम जी को, क्योंकि राम जी जो है हरि विष्णु जी का ही रूप है, शंकर जी का ही रूप है, और सीता मैया लक्ष्मी जी का ही रूप है। तो इन्हें हम तिलक करेंगे। तो सीता मैया क्योंकि इस दिन जो है इनका जन्म हुआ है, तो इस दिन हम जो है सिंदूर अभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप जन्म उत्सव मना रहे हैं तो इस दिन जो है रोली लगाएंगे, या तो आप गोपी चंदन ही लगा सकते हैं। तो इस दिन सिंदूर का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इनका आज जो है जन्म उत्सव मनाने जा रहे हैं। तो बस हम इनको लगाएंगे रोली, और माता को लगाएंगे क्योंकि इस दिन जो है ना रोली ही लगाई जाती है। तो रोली की तिलक करेंगे, और सारे राम जी को करेंगे। यहाँ पर जिस राम जी हैं, भरत हैं, तो मेरे साथ परिवार के साथ जो है फोटो में विराजमान है, तो सबको जो है चंदन लगा देंगे, और दीपक में भी जो है टीका लगाएंगे, और कलश पे भी टीका लगाएंगे, क्योंकि हरि विष्णु जी का रूप होते हैं राम जी, तो इसलिए जो है चंदन का ही इस दिन जो है प्रयोग करेंगे। और कलश को भी जो है उसमें नारियल पर हम टीका लगा देंगे, रोली और चंदन का टीका लगाएंगे। गणपति को भी हम जो है चंदन का ही टीका लगाएंगे और रोली का टीका लगाएंगे। साथ में जो है अपने लड्डू बाबू बैठे हुए हैं, ये भी जो है हरि विष्णु जी का ही रूप है, तो इन्हें कैसे हम भूल सकते हैं। साथ में इन्हें भी हम रख कर जो है पूजा हम इस तरह से हम करेंगे। तो इस तरह से जो है सरल मेरी आसान तरीके से मैंने पूजा आपको दिखा रही हूँ। तो पूजा में वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप भी जो है इस तरह से अपने व्रत को संपन्न कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए पुष्प हम चढ़ाएंगे, पुष्प जो भी हो जैसे पीले हैं सफ़ेद हैं सारे पुष्प यहाँ चढ़ा सकते हैं आप। गणपति को हम जनेऊ पहनाएंगे क्योंकि आज के दिन भी जनेऊ इनको पहनाया है जाता है, क्योंकि बिना गणपति के जो है आपके कोई भी पूजा जो है अधूरी मानी जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने राम जी के लिए पीले वस्त्र लिया है पहनाने के लिए। इस जगह पर आप चाहें तो मौली की वस्त्र रूपी आप चढ़ा सकते हैं, मैं यहाँ वस्त्र ही इनको पहना रही हूँ और माता सीता को पहनाऊँगी। ऐसे तो राम जी को भगवा वस्त्र ही चढ़ाया जाता है, मगर इस टाइम जो है भगवा वस्त्र नहीं है, तो इनके जगह पर जो है पीले वस्त्र इनको हम अर्पित करेंगे, और माता सीता को जो है चुन्नी अर्पित करेंगे। तो इस तरह से जो है ना चुन्नी नहीं है तो आपको सिर्फ आप मौली भी इनको अर्पित करते हैं, वस्त्र रूपी अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए और गणपति को मैंने मौली जो है जनेऊ होते हैं पीले वाले वो की है। इस तरह से मेरे पास ढेर सारे पुष्प थे सफ़ेद में पीले में, जैसे कि ऐसे तो कनेल के सबसे शुभ होते हैं, जैसे हरि विष्णु जी को कनेल के पुष्प काफ़ी बेहद ही पसंद आता है, तो अगर है तो उसको आप अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं अन्य भी पुष्प जो है अर्पित कर सकते हैं। और चंपा के इस दिन अगर मिल जाए तो आपको सबसे उत्तम होगा, और चंपा के मेरे पास पुष्प है तो उन्हें भी जो है अर्पित करूंगी, और चमेली की बोलते हैं ना वो भी मैं जो है अर्पित करूंगी, क्योंकि चमेली की सबसे ज़्यादा खुशबूदार पुष्प मानी जाती है, तो इस दिन जो है अर्पित कर सकते हैं।
तो यहाँ देखिए गणपति को मैंने जो है ना इस तरह के चंपा के फूल उनके नहीं चढ़ती है। हरि विष्णु जी के जो है राम जी को चढ़ा सकते हैं चंपा के पुष्प, और गणपति को नहीं चढ़ा सकते क्योंकि उनको नहीं चढ़ता। कनेल के पुष्प चढ़ा सकते हैं, गेंदे के चढ़ा सकते हैं, गुलाब के चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ देखिए गणपति को मैंने कनेल के पुष्प जो होते पीले वाले होते हैं ना सबसे बेस्ट माना जाता है, ये पुष्प सारे पुष्पों में से सबसे बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ देखिए कुछ अशोक के पत्ते हैं तो थोड़ी सी हरियाली के लिए यहाँ पर मैंने लगा दिया है कलश के पीछे, कलश पर ना रखें पीछे रखे हैं। तो यहाँ देखिए बहुत सारे मेरे पास पुष्प थे, सारे को मैं यहाँ तरह से जो है माता लक्ष्मी ही कहेंगे, माता लक्ष्मी सीता माता को पास जो है पुष्पों से जो सजा दिया इस तरह से, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं इस तरह से डेकोरेट कर दिए हैं। काफ़ी ज़्यादा पुष्प थे मेरे यहाँ तो बहुत सारे सुबह सुबह निकल जाती है मेरे गार्डन में से, तो खूब सारा जो है पुष्प मैंने राम जी को सीता माता को चढ़ाया है। तो यहाँ देखिए जहाँ मैंने दीपक प्लेट में प्रज्वलित किया है वहाँ खूब सारा जो है सफ़ेद वाले कनेल वाले पुष्प होते हैं ना वो मैंने यहाँ जो है ना चढ़ाया है। तो यहाँ देखिए बेसन के जो भी बर्फी होती है लड्डू होती है गणपति को मैंने यहाँ भोग लगाए हैं, और माता सीता को इस तरह से जो है फलों की भोग लगा सकते हैं, कुछ खीर का या तो मिष्ठान का जैसे घर पर जो है बना सकते हैं उनके लिए भोग, तो मैंने भोग नहीं बनाया है बस जो है फल का भोग लगाया है। और इधर जो है गणपति को बर्फी लगाए, बेसन का बर्फी आते हैं या तो लड्डू भी लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं सब कुछ मैंने कर दिया है, रह गया आरती करने के लिए, तो बस आरती हम करेंगे तो पूजा जो है संकल्प हो गई है पूरी हो गई है यहाँ मेरी। इस व्रत को संकल्प लेके पूरे जो है मन से भाव से व्रत करें। और व्रत किस तीन तरह से होती है, जैसे कि सात्विक भोजन एक समय की फलाहार करें, सात्विक भोजन लें एक समय के, शाम ढलने से पहले आपको भोजन कर लेनी है। जैसे सात्विक भोजन पर आप अगर नहीं सह पाते हैं तो सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। इस दिन जाप का सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो इस दिन सौभाग्यवती रहने के लिए अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए इसको व्रत किया जाता है। तो इस तरह से निर्जला भी रख सकते हैं या तो फलाहार भी रख सकते हैं, फलाहार पर एक टाइम रह सकते हैं, सात्विक भोजन एक टाइम रह सकते हैं, निजरा भी रह सकते हैं। तो अपने आप को देख लीजिएगा कि कैसे आपके ऊपर सुविधा के अनुसार जो है ये व्रत को संकल्प लेके पूरा कर सकते हैं। तो जिस तरह से व्रत करनी है पूजा करनी है उसी हिसाब से आपको संकल्प लेनी चाहिए। हाँ, इस दिन जो है ना जाप की भी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, 108 माला आप कर सकते हैं, श्री जानकी रामाय नमः, श्री जानकी रामाय नमः, इस तरह के आप जो है जाप कर जो है पूजा अपनी संकल्प को पूरी कर सकते हैं। तो जाप कभी भी कर सकते हैं, पूजा जो है करनी आपको सुबह के टाइम, और सबसे जल्दी उठकर जो है आसन लगा दे, स्नान करने के बाद जो है जस्ट अब ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो सबसे ज़्यादा उत्तम रहेगा, और नहीं कर पाते हैं तो जाप भी कभी भी कर सकते हैं। सिर्फ पूजा का जो मुहूर्त है आप सुबह में ही रख सकते हैं। आई होप आज की अगर पूजा की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सपोर्ट करना इसी तरह जो है वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय दोस्तों। श्री रामचंद्र की जय, हनुमान की जय, सीता मैया की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।